हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और ये भी अपना नाम बता रहे हैं क्योंकि मेरा नाम है दीपक सिंह पंवार, काफी सारे लोग क्योंकि बोल दो रहे तीन थे लोगों ने पूछा तू भी था। हेलो कर दे एक बार आ जा, तो फिर बैठ जाना, हेलो करो। हेलो ये है दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी फुदकी रिद्धि रिकू रिकू रिद्धि रिद्धि है ये। तो फिलहाल इसको इस वाले ब्लॉग में नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा ब्लॉग है, ठीक है। तो दूसरे ब्लॉग में आएगी है। तो बात चल रही है, आज हम आपके लिए मुद्दा लेके आए हैं। कब की बात है ये? हम ला रहे हैं आपके सामने एक मुद्दा, वो है कब का, फरवरी मार्च का। तब मैं मुंबई में था, नौकरी कर रहा था, तो तब क्या हुआ ये बताइएगा। हाँ तो एक इंस्टा पे मैसेज आए थे, जैसे कि आजकल पेड प्रमोशन वगैरह चलती ही है, तो खैर सभी का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अब इंस्टा आईडी हमारी ठीक ठाक ही चल रही है लगभग। तो उसके हिसाब से मैं मैसेज वगैरह भी देखती हूँ कि जो पेड प्रमोशन मिलते हैं या फिर कोई काम की बात है तो जरूरी है तो उसका जवाब दे देते हैं, मतलब जो ज्यादातर मैसेज करते हैं, है ना। तो एक अंकल जी मिले थे, तब स्वामी जी की नौकरी नहीं थी ना, नहीं, नहीं थी। नौकरी पे लगा था अच्छा, मैं नौकरी पे लगे थे, लेकिन हम बाहर के उसमें थे, मतलब तो, मैं बाहर के बाहर के चक्कर में चक्कर थे। में था तो। हाँ, तो इनके लिए ढूंढ रहे थे हम। तो एक अंकल जी मिले थे, उनका नाम था क्या ना, भरत राणा हाँ भरत सिंह राणा करके नाम था उनका आईडी पे भी, और इंस्टा पे काफ भी, हाँ फेसबुक पे भी तो उम्र के काफी लग रहे थे अंकल जी, उम्र के पचास मतलब पचपन के लग रहे थे हाँ लगभग। मेरे पापा के जितने उम्र के थे, मतलब पापा ससुर जी और लोगों के उम्र के इतने थे, मतलब है ना काफी उम्र के थे। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा था कि मतलब काफी दिनों से वो मैसेज कर रहे थे, तब मैंने अपने ब्लॉग में डाला था, रिलामा था, तब मैंने अपने ब्लॉग में डाला था कि मुझे गाना पसंद है या फिर डांस वगैरह पसंद है, ऐसी चीजों पे डाला था मैंने अपने ब्लॉग में डाला था ना। तो उसी पे मैसेज आया था कि बेटा आपको पैसे दिए जाएंगे करके, तो आप हमारे स्टूडियो में आ जाओ, हमारा देहरादून स्टूडियो है, और आपको एक गाने के मिलेंगे 1-1.5 लाख मिलेंगे अगर आपका गाना अच्छा चलता है। तो खैर वो मेरी बात ही अलग थी, थोड़ा मेरे सपने से रिलेटेड थी। तो मैंने सोचा यार, क्योंकि उनका ना जो स्टूडियो वगैरह की फोटो है वो भी कंटिन्यू डाल रखी थी, क्योंकि उस टाइम पे वो वहाँ काम करते रहते होंगे, तो कंटिन्यू उन्होंने फोटो डाली हुई थी, मैं इनको बताती जा रही थी, है ना। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देती रहती है। हाँ, मैं कोई भी मैसेज हो मैं ऐसा छुपाती नहीं हूँ, तो मैं इनसे बता ही रही थी, कोई भी मतलब मैसेज आता था तो मैंने इनसे कह दिया था कि एक अंकल जी हैं करके, तो वो कह रहे हैं कि देहरादून हमारा स्टूडियो है। मैंने औरों से पूछा था, क्योंकि देहरादून में मैं और स्टूडियो वालों को भी जानती हूँ या फिर जो प्रमोशन वगैरह देते हैं उनको जानती हूँ मैं, तो मैंने इनसे भी बोला था और मैंने उनसे भी पूछा, तो वो भी नहीं पहचान रहे थे क्योंकि वो नए थे। तो उनका भी जो पहला गाना था वही था, बाकी वो पार्टी वगैरह में या फिर जहां पर गाने वगैरह का शूटिंग होता है वो वहां जा रखे थे। तो मुझे तो हमको क्या चाहिए होता है, थंबनेल टाइटल यही चाहिए होता है, बाकी मैंने ऐसे ही डाला था। तो वो जो अंकल जी हैं वो हमारा व्लॉग देख ही रहे थे, वो आजमा रहे थे कि वो कैसे हैं क्या हैं। तो उन्होंने मैसेज करा कि बेटा मैं सिंगापुर में काम करता हूँ, हाँ है फिर ना, सिंगापुर में मैं काम करता हूँ, होटलियर में हूँ और देहरादून में मेरा मकान है। तो आप ऐसा करो कि दीपक बेटे को बोलो कि हमें मैसेज करे करके मैसेज करे, या फिर उनका नंबर दे दो हमको इनका, ठीक है। कहाँ बात चल रही थी मेरे गाने और शूटिंग की, और बाद में उन्होंने देखा कि उनका नौकरी छूट गया, इनकी नौकरी छूट गई। तो नौकरी छूटी तो मैंने वो डाल ही रखा था ब्लॉग में कि हम लोग परेशान है करके, तो किसी के पास अब परेशान थे, तो यकीनन हमने उन पे यकीन करा कि हाँ रहे होंगे। तो मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि नंबर दे देना मेरा, ठीक है, क्योंकि हम वैकेंसी ढूंढ रहे थे ना, वो तो ढूंढ ही रहे तो हैं। बाहर की वैकेंसी ढूंढ रहे थे हम लोग, और सिंगापुर बताया था अंकल जी ने कि मैं सिंगापुर में रहता हूँ। अमेर कॉलर खड़े हो गई। तो इन्होंने जैसे जैसे ही मैंने इनको बताया, तो ये लगभग मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ अंकल जी के साथ मतलब मैसेज वगैरह मैंने इनके आईडी दी थी, और रहने दे। तो मैंने इनका नंबर दिया था, उनको नंबर दिया और फिर बातचीत हुई, इनकी बातचीत हुई। जैसे तो जैसे ही मुझे नंबर मिला, तो नंबर मिलने के बाद उन्होंने मैंने फोन किया उनको, उन्होंने कहा ठीक ठाक,
उन्होंने पता है क्या क्या पूछा? पता नहीं, हमने भी नहीं सुना था। हालांकि हर किसी को कुछ भी चीज पता नहीं रहता है। उन्होंने पूछा किस में काम करता हूँ, मैं बोलो काउंटी में काम करता हूँ। उल्टा सुलटा पूछने बैठ गए। मैंने भी नहीं सुना था, कुछ कुछ सुना था क्योंकि हमने भी मैनेजमेंट वगैरह किया है, हम भी सीख के आए हैं, तो मैंने भी जो जो आता था वो बोला। लेकिन जो जो उन्होंने बोला मैं समझा बड़े सेफ होंगे, बहुत बड़े। बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाद में उन्होंने बोला CV भेज दे, बोला अपने पासपोर्ट भेज दे, डॉक्यूमेंट्स भेज दे, बोला। और भेजा मैं। फिर अभी ये बताएगा आगे। और इन्होंने अपने पूरे पेपर वगैरह भेजे। वो अंकल जी डेली फोन ऐसे करते थे जैसे हमारे परिवार के, मतलब जैसे पापा अपने बच्चों को फोन करते हैं कि बेटा डेली हमारे कांटेक्ट में रहो, डेली मतलब उसमें रहो कि हमारे साथ बात करते रहो, बेटा अपना हाल चाल सुनाते रहो, है ना। डेली अपने हाल चाल या फिर बताने के लिए बोलते थे कि बेटा हमको टेंशन होती है, दो दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी मेरी है और तीसरी तू है और चौथा भाई इनको भी मान लिया था। तो मैंने कहा यार मैं सबको नहीं, उन्होंने झूठ बोला है इसके पास। उन्होंने घर में माँ से भी बात की। उन्होंने बोला घर में, बोला हमारे हिंदाओं में, बोला हमारे एक ताऊ जी रहते हैं उधर, उन्होंने बोला वो हमारे रिश्तेदार है, बोले तो रिश्तेदार है। तो हम फिर सच मानने बैठ गए क्योंकि आदमी को विश्वास। वो पता है कैसी बातें कर रहे थे, जैसे ऐसे माँ बाप भी अपने बच्चे से नहीं करते हैं। मैं तो फ्लैट हो गए उसी। बोला यार इस वैसे मुझे पता है फ्रॉड है, फ्रॉड होता है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की। तो मैं बोला अरे यार आदमी अपने माँ बाप के जैसे बातें कर रहा है, माँ बाप भी नहीं करते मेरा बेटा मेरी बेटी ये वो है। और पता ये हुआ कि मतलब मैं कोई भी बात हो अगर बड़ा रिस्क वाला काम है तो मैंने अपने सासू जी को बताया हुआ था। सासू जी से मैं सब बातें शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सासू जी से, माँ से, पापा से है। तो मैंने घर भी शेयर करी थी ये बात कि ऐसा ऐसा करके है, किसी का वो आ रखा था। तो उन्होंने, मेरे सासू जी ने पूछा कि कहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 11 गांव हिंदौ से हूँ। तो हिंदौ से बोला जैसे ही, तो मेरे सासू ने कहा कि हिंदू तो हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो रिश्तेदारों की बात हुई तो हमने वो अंकल जी से पूछा, वो डेली शाम के टाइम पे कॉल करते थे। मैंने भी सासू जी के सामने ही फोन उठाया और वो सीधे मेरे सासू जी से बात करने लगे कि ऐसे ऐसे मैं हिंदू में उनको जानता हूँ ये वो। अब हम सब मतलब सोच में पड़ गए कि, सोच में नहीं पड़ गए, हमको फुल विश्वास हो गया, विश्वास हुआ। और सोच में भी पड़ गए कि इतने अच्छे इंसान कहाँ मिल रहे आजकल, इतने अच्छे ढंग से बेवकूफ बना रहा है सामने वाला बंदा कि बोला कि मेरा देहरादून में मकान है, दो मकान है, एक में आप मतलब आप, और तो सब छोड़ो, उन्होंने कहा कि जो उनकी धर्म पत्नी है यानी कि जो आंटी जी थी, चाची जी, वो खत्म हो रखी हैं। तो मतलब इतना इतना घटिया झूठ बोला उन्होंने। और कह रहे थे कि मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मतलब सिंगापुर में काम करता हूँ घर खर्चा के लिए, और अपने मतलब ये ना लगे मुझे कि अकेलापन ना लगे, इसलिए मैं स्टूडियो में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बच्चों के लिए, किसी के लिए कुछ करता हूँ, किसी के लिए कुछ करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ कभी धोखा मत करना बोले, और विश्वास रखना बोले मेरे पे, मैं तेरे चाचा जैसा हूँ। चाचा ही बोलती थी मैं हमेशा, चाचा ही मैं बड़ा बोलता था। ये अभी फेमस है, मुंबई वाले तो बोलते हैं मुझे बड़ा किधर गया, बोले बड़ा किधर गया है। तो मैं हमेशा चाचा ही बोलती थी, और एक दो दिन तो मैं उनकी स्टोरी सुन के बिल्कुल इमोशनल हो गई थी, इतने इमोशनल कि मुझे लगा जैसे अपने परिवार का हिस्सा होता है वैसे ही वो अंकल जी अपनी जो व्यथा होती है एक बोलते है ना, आप लोगों ने देखा होगा इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो किसी भी बात पर बेटा ऐसे इमोशनल मत हुआ करो करके, मैं पहले ही इमोशनल हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं इमोशनल वाली चीजें दिखाता ही नहीं हूँ। अब इतनी बातें तो मैं कैसे भी बताऊँ है ना, अभी आगे मैं बोलता हूँ, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो वो बातें करते करते उन्होंने 2-3 दिन बहुत अच्छे से याद किए, मेरा बेटा, मेरा क्या बोलते हैं, हमारे 2 बच्चे और हो गए, दो पहले से थे। तो उन्होंने 2 दिन बात की, तीसरे दिन भी बस्त करके बात की, और चौथे दिन उन्होंने पता है अपना वो खोल दिया पिटारा क्या, कि एक लड़का और चाहिए, बोले इंडियन तंदूर वाला, बोले जिसको आता होगा, मगर ऐसा बंदा चाहिए, बोले जो पहचान का हो, बोले तो
मैं खुश हो गया। मेरे एक चाचा थे जो मुझे मुंबई ले गए थे, मतलब मुंबई में उन्हीं के साथ गया, तो दूसरों के साथ था लेकिन नौकरी पे उन्होंने लगाया था। तो मैंने उनको फोन किया कि वो घर में बेरोजगार बैठे थे, हमें बोला अरे क्या पता मेरा हो रहा है तो इनका भी भला हो जाए। तो मैंने उनको नंबर दिया, मैं बोला फोन करना इनको और फोन करना इनको और इनसे बात करना, इनके पास वैकेंसी है सिंगापुर की। और उन्होंने पता है क्या बोला, बेटा तुमको मैं फ्री में ले जा रहा हूँ लेकिन वो जो आदमी रहेगा उसको 30,000 जमा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं किसी को ले गया और जैसे ही वीजा आया वो भाग गया, बोले वो आया ही नहीं बोले। तो मैं बोला ये तो कोई इसमें क्या है, बोले ये तो नॉर्मल बात है, जमा ही तो करने बाद में एयरपोर्ट, ऐसा भी बोला एयरपोर्ट है वापस मिलेगा, दिमाग ही नहीं चलता है तब। मैं बोला एयरपोर्ट कौन देता है, अब वैसे तो किसी को पता नहीं रहता एयरपोर्ट वापस मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा ही बोला। हमें उनको दिया फोन, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला बहुत अच्छा आदमी है, बोले यार उसको भी चूना लगा दिया। उसने भी दूसरे तीसरे दिन 30,000 40,000 जमा किए और वो उसको भी वो भी फुल फ्लैट हो गए बुढ़े वे भाई, माँ कसम क्या बोलो भाई, पता है क्या 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 बोला उसने, बोला ऐसा दोस्त है वो है वो है ये है। पर तो वो बोला बूढ़ा तो फुल एक्सपीरियंस वाला है वो, मैं बोला वही तो, हम ऐसे ही नहीं, क्या पता था किसी को आगे आगे क्या होता है। और जैसे ही दिन नजदीक आने बैठ गए, जैसे नजदीक आने बैठ गए, उस आदमी ने 10,000 और मांगे बोले उस बंदे से, वो घर में बेरोजगार बैठा था और उसने जैसे तैसे करके दिए, मतलब 50,000 पूरे कर दिए वह। 50,000 पूरे करे तो उन्होंने बोला कि बेटा इतनी तारीख को जाना है, पहले हमें 22 तारीख को बोला याद है मुझे, 22 फरवरी को, बाईस बाईस मार्च को, अच्छा मार्च को हाँ बोला था बाईस कि मार्च को मार्च बोला, को हम घर आएंगे, तेरे हस्बैंड भी नहीं आएंगे। नहीं 22 फरवरी को बोला था, हाँ अच्छा 22 फरवरी हाँ को मुंबई आएंगे, मुंबई मुंबई, अब मुंबई बाईस के 22 फरवरी को बोला मुंबई आएंगे, मुंबई फिर घूमेंगे उधर उधर इधर उधर, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर घर आएंगे फिर जाएंगे। और हम लोगों का दिमाग इसलिए बोलते हैं ना, ज्यादा भरोसा भी नहीं करना, इतना भी नहीं गया कि ऑफर लेटर भी होता है, एग्रीमेंट लेटर भी होता है, ये भी नहीं आया हमारी समझ में। हमने बोला विश्वास विश्वास है, विश्वास वाली चीज विश्वास पे होती सब लुट गए हैं। हमें तो मेरे को मैं भी लुट ही गया, क्योंकि मैं 15 दिन का सैलरी छोड़ा उस बंदे के कहने पे, एक महीने रूम पे भी बैठा रहा, मेरी भी गई ना सैलरी, 50,000 मेरे भी गए, मेरे को भी मिल रहे थे 28-30 हजार, 50-55 हजार मेरे भी गए उस, मगर ऐसा नहीं है कि जेब से दिए, मगर नौकरी नहीं थी तो वो ही हो, लेकिन गिनती तो उसकी भी होती ना, क्योंकि रूम पे बैठना हाँ, ये उन्होंने वो। बोला था कि मैं खुद गाड़ी लेके आऊंगा और वहां से फ्लैट में चलेंगे हम, उन्होंने ट्रेन पता है क्या बोले, तीनों के रिटर्न टिकट निकाले है, तुम्हारा सिर्फ जाने का टिकट ले, क्योंकि मैंने घर जाना था, और फिर तुम्हारे घर चलेंगे बोले, उधर से सीधे सिंगापुर बोले। हमसे बोला था कि क्या बोलते हैं ये मंडुए का आटा घी ऐसा से अब पता है इधर क्या था, इधर घी भी इकट्ठा करके रखा था घर वालों ने, रखा मंडुए का आटा और क्या, पता नहीं बहुत सारी चीजें बहुत जो रखी इकट्ठे हैं एक थैले पे बांध के अलग रख देगी उनको यार, देखा उन्होंने। विश्वास ये चीज होती अब है। मैं मायके गई, मैं वहां से भी सोच रही थी, अब मैं मायके गई तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा मैं तिलवाड़ा से वापस आ जाऊंगा करके, जो हमारे गांव के थे दूसरे ससुर जी, तो कहा कि मैं आज उन्हीं को लेने, अब वो पूरे दिन तिलवाड़ा में रुकते रहे उनको कि वो जिन्होंने हमें। पैसे भरे थे हाँ जैसे ही जी 22 तारीख वैसे ही बहाना बना, फिर वो पता है वो बंदा बहाना क्या बनाया, कि बोला कि मेरा ये हो गया, बोले क्या बोलते हैं मेरा फोन पानी में गिर गया इसलिए, और पूरे दिन बस मैं मयाली को घूमता रहा मायाली तुम्हारे भी लिए आया बोले मैं ये वो अब मैं फिर देहरादून आ गया बोले। देहरादून नहीं, उस दिन बोला मैं श्रीनगर हूँ और दूसरी सुबह दूसरे दिन हमने बोले कि मैं श्रीनगर से देहरादून। वापस आऊंगा बोले फिर लेने उन्हें, और फिर बंदा उधर से सीधे देहरादून, बस उसके बाद उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ब्लैक लिस्ट में, तभी ब्लैक लिस्ट में तभी फोन कर रहा है। लगभग 10 दिन तक उस बंदे ने फोन किया कि हाँ मुझे फिर भी विश्वास था, इन्होंने बोला कि नौकरी खोज ले आप हमें फिर भी फिर विश्वास था कि नहीं। भी पता नहीं होता है, मैं बोला आज ही बोलता है हाँ, फिर भी ऐसे नहीं बोला बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया, माँ कसम क्या कि बोलूं, तुम क्यों परेशान क्योंकि मत होना, बात 12-1 बजे मुझे कॉल बारह कर रहे थे। बात करने का भी कोई तरीका होता है, हमको तो आता नहीं है वो तरीका,
हम जो है पर वो कोई बोलते ही कर हैं सकता है, कोई नॉर्मल इंसान नॉर्मल इंसान इतना बेवकूफ नहीं बना नहीं बना सकता, वो सकता भी है। एक साथ चार चार इंसानों को। नहीं चार किधर हो गए? चार नहीं हुए, एक वो स्टूडियो वाले जिनसे हाँ मैंने पूछा, स्टूडियो वालों को भी बेवकूफ बनाया उन लोगों ने, पता है क्या उनका के? उनका भाड़ा भी नहीं दिया, उनका रूम भाड़ा भी नहीं दिया, उधर ही गाना शूट किया, उधर ही रहा, का। उनको भी बोला मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुमको भी सिंगापुर ले जाऊंगा, बोले रफा। बस 10-12 दिन के बाद फिर फोन आया, फिर बेटा क्या हुआ? मैं बोला खर्चा पर्चा नहीं है, खर्चा पर्चा दे दो। अरे अभी देता हूँ, बोले आप बोला। अरे फिर बोला मेरा फोन पे नहीं चल रहा, बोले इस बार कल सुबह देता हूँ, बोले कितना चाहिए? मैं बोला 15,000 दे दो। और नहीं दिया, दूसरे दिन से मतलब पूरा बंद हो गया सब कुछ। क्या करें, तब अकल की कमी है। अकल की कमी नहीं, मतलब ये है कि विश्वास विश्वास थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए विश्वास पे और गए। गढ़वाल के लोगों पे ज्यादा करा हमने विश्वास, क्योंकि वो गढ़वाली बोलते थे, ज्यादातर गढ़वाली बोलते गढ़वाली और वो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, थे। बाकी मेरे ज्यादा घचर पचर क्या ही लगाना आप लोगों के सामने, क्योंकि घचर मुझे पचर पता नहीं है लगाऊंगा, लेकिन एक कि रिक्वेस्ट है सभी होटलियर भाई लोगों से, कभी भी हो पूरी जांच जूंच करके वो करना, कभी भी हो। हालांकि मेरे पैसे नहीं गए, लेकिन दूसरे बंदे के तो गए ना। वो बंदा कितना वो पहले ही परेशान था, घर में बैठा था। हाँ, और वो ऊपर से मैंने दिया था वो नंबर, तो मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, वहां कसम क्या बोलूं। बाकी सभी लोगों से निवेदन है, काफी लोग तो अब कमेंट करेंगे कि आप लोग ऐसे फ्रॉड पर विश्वास करते क्या क्यों, है करेंगे, सबने किया, क्या करें। ना। बाकी ऐसे फ्रॉड वाले अब दोबारा नहीं करेंगे, ये गलती है ना, जहां अरे जहां वो मैं मन ही मन सोचता हूँ वो चाचा कुछ बोलते होंगे मेरे को कि हाँ भाई इसने बेवकूफ बनाया मेरे को, लेकिन फोन किया था मैंने तो वो बोले कि नहीं यार तूने भी भला ही सोचा होगा, लेकिन मुझे लगता है होता ही है, हम लोग इंसान है सोचते ही है कि हाँ भाई उसने बनाया, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है ऐसी कभी भी हो पूरी जांच पड़ताल करे, उसके बाद ही पैसे भरे माँ। ऐसे उनसे बचे रहे, है ना। बाकी चलिए, आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, आई होप आपके समझ में आई होगी। और ज्यादा प्रचार तो क्या और करना, हम उस बंदे का नंबर, कांटेक्ट नंबर वगैरह सब डाल देंगे, फोटो भी चिपका देंगे उसके, आप लोग टेंशन मत लेना, कहीं मिलेगा तो जरूर फोन करना। हाँ ठीक है। बाकी आज की वीडियो को हम जय एंड श्री करते हैं, राम। जय श्री राम। और और फिर भी आप लोगों को जरूर वीडियो देखे और पूरी वो देखे क्या बोलते हैं, क्या क्या हुआ, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े ही मत। हमसे मेरे से पहले भी हुई है गलती, मतलब 5 साल, लेकिन उस टाइम हम नए नए थे, हमने बोला जाने दो, लेकिन अभी इतना 10 साल हो गए नौकरी करते करते, फिर भी लोग बना ही रहे बेवकूफ, तो अभी अभी हमारी भी गलती है। गलती भी क्या बोल सकते हैं, गलती तो नहीं गलती है, भी क्या ही बोलने गलती हैं, तो ऐसा है, होता ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई इतना क्या बोलते उसे प्यार दे रहा है, उसके बाद बेवकूफ बना रहा है, है। तो अभी हम भी नहीं बोल सकते कुछ। फिर भी आप बाकी लोग बचे रहे इस चीज से, और किसी पे भी ऐसा भरोसा ना करें। हाँ, और एक बात और बताता हूँ, बाद में हमने उधर फोन किया, जो हमारे रिश्तेदार है उधर, ताई जी है, तो उनको फोन किया था, उन्होंने बोला हम इनको जानते ही नहीं है, बोले हाँ बाद मान फोन नहीं करिए, तो बाद में माँ ने फोन किया था तो उन्होंने मना किया, हम जानते ही नहीं है बोले इधर, तो फिर बहुत वो हो गया। चलो छोड़ो, क्या बोल सकते हैं। हाँ बाकी चलिए, बाय बाय। जय श्री राम।